नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एवी बॉक्स ऑफिस में एक बार फिर से। फाइनली आप सभी को पता है कि इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर अगर किसी का जादू चल रहा है तो वह है पठान यानी कि शाहरुख खान। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म के अंदर ही आपको हिंट मिल जाती है कि सलमान खान सर अब काफी बड़े मिशन पे जाने वाले हैं, जिसके अंदर दोस्तों सलमान खान सर को शाहरुख खान की जरूरत पड़ेगी। यानी कि दोस्तों टाइगर 3 के अंदर आपको शाहरुख खान सर का एक बार फिर से कैमियो देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों इसके पहले आपको टाइगर जिंदा है और दोस्तों अब टाइगर 3 देखने के लिए मिलेगी, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं मनीष तिवारी। और फाइनली अब हम सभी के बीच में एक काफी बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। तो दोस्तों अगर आप भी शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार के काफी बड़े फैन है तो आपके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आज हम सभी के बीच में टाइगर जिंदा है की ऑफिशियल रिलीज डेट सामने आ चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि टाइगर 3 जिसको मनीष तिवारी जी डायरेक्ट कर रहे हैं, फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं आदित्य चोपड़ा। दोस्तों मूवी का जो बजट है वो लगभग 250 करोड़ रुपए होने वाला है और इस बार इस फिल्म को 40 से ज्यादा कंट्रीज में रिलीज करा जाएगा। और इस फिल्म को हमारे भारत में हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा जैसी बेहतरीन लैंग्वेज में रिलीज करा जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं फिल्म के मेन पॉइंट की तरफ कि इस बार क्या फिल्म के अंदर एक्शन काफी तगड़ा होने वाला है। तो जी हाँ, फिल्म का जो एक्शन है वो काफी अलग लेवल का होगा। और दोस्तों इस फिल्म के जो डायरेक्टर है, एक्शन डायरेक्टर, वो फास्ट एंड फ्यूरियस के हैं। यानी दोस्तों हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक्शन डायरेक्टर इस फिल्म के एक्शन सीन्स को डायरेक्ट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं फिल्म के रिलीज डेट की तरफ। तो दोस्तों फिल्म को हम सभी के बीच में 2023 की दीपावली पे रिलीज करा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, फिल्म टाइगर 3 हम सभी को दीपावली के मौके पे देखने के लिए मिलेगी, जो कि दोस्तों अपने आप में ही एक काफी बड़ी बात है। अब दोस्तों आप इस फिल्म को देखने जाएंगे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।